मैं हूं आपका दोस्त एहसन। और दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलंकार प्रॉपर्टी में। अगर आप लखनऊ में कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, कॉमर्शियल हो गई या रेजिडेंशियल हो गई, तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल अलंकार प्रॉपर्टी को, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलते रहे। आज हम आ चुके हैं कुर्सी रोड मिसरपुर में दोस्तों, और साबिर भाई हमारे साथ हैं दोस्तों। आप हमारे साथ इनको हमारे चैनल पर दो वीडियो में दोस्तों देख चुके होंगे, आज फिर हमारे साथ हैं। आज हम आए हैं दोस्तों आपको कुर्सी रोड पर। ये आपको मेन रोड सामने दिखाई दे रही होगी, मेन रोड से मान के चलिए सिर्फ 50-60 मीटर का मान के डिस्टेंस है। मेन रोड से सिर्फ 50-60 मीटर के डिस्टेंस पे दोस्तों हम आपको जो है आज शॉप्स विज़िट कराने आए हैं। अगर आप लखनऊ में कुर्सी रोड पे आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं शॉप्स, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जो कि ये साबिर भाई इसके ऑनर हैं, और यहाँ पर आपको दुकानें मिल जाएंगी। साबिर भाई से हम थोड़े से बात करते हैं कि इसका साइज़ क्या है, उसका रेट क्या है, और अभी कितनी दुकानें यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो साबिर भाई, साइज़ और रेट, कितने दुकानें अवेलेबल हैं, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, अभी हम लोग मिसरपुर में हैं। ये मिसरपुर मेन चौराहा है, चौराहे से ये रोड जो है मेन रोड, ये कनेक्ट होती है बहुत बड़ी आबादी, ठीक है। यही एक रास्ता है अंदर के सारे लोगों को आने जाने का, तो उसी पे अपना ये कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, जिसका साइज़ एक दुकान का जो है 8.5x15 है, लगभग 128 स्क्वायर फिट का, और इसमें तकरीबन 8 दुकानें सेल हो गई है और 8 ही बची हुई है, और इनका रेट हम लोगों ने 11 लाख रुपये रखा हुआ है जी। तो अभी जो भी कस्टमर अपने आएंगे तो जो भी अवेलेबल रहेगा उसमें से हम दे देंगे अभी जी। तो इसमें नीचे कितनी दुकानें बची हैं और ऊपर कितनी बची हैं, और सबसे ऊपर भी बची हुई है क्या? नहीं, ऊपर वाला तो हम अपने लिए रखे हैं, हमारा ऑफिस है ऊपर। अच्छा। हाँ, नीचे देखिए 6 दुकान बची है, ये बेसमेंट का जो एरिया है 6 दुकान बची है, और ऊपर 3 दुकानें बची हुई है। अच्छा। और नीचे हम लोगों ने अच्छा खासा स्पेस भी छोड़ दिया है, ताकि पार्किंग के लिए भी और भी तमाम यूज़ के लिए यूज़ में आ जाएगा। बाकी इसमें टॉयलेट भी बना दिए हैं, दो छत के ऊपर 2 बाथरूम हैं, और ऊपर एक 500 लीटर की टंकी रहेगी, एक समरसेबल भी हमने लगा दिया है यहाँ पर। बाकी जो भी छोटी मोटी सुविधाएं हैं वो हम दे रहे हैं, वो दे सकते जी। तो दुकान का साइज़ आपने बता दिया, रेट भी बता दिए जी। जी हाँ, दुकान वही 128 स्क्वायर फीट की है, और रेट 11 लाख रुपये है, और 8 ही दुकान बची है हमारी। अच्छा। जी हाँ, ताकि अगल बगल देख लीजिए, फ्लैट के भी प्रोजेक्ट हैं, और बढ़िया चालू रोड पे है एकदम। हाँ, एकदम कमर्शियल दोस्तों, देख सकते हैं ये सब ऑलरेडी जो है मार्केट एरिया, यहाँ पे सब दुकानें बनी और सब चलती हुई दुकानें हैं। आप भी यहाँ पे लेंगे, मान के चलिए आपको बहुत जल्दी दुकानें जो हैं आपके दोस्तों चलने लगेंगी। तो ऊपर की दुकानें हो चाहे नीचे की हो, सबके 11 लाख रुपए रेट है। लोन सुविधा उपलब्ध है? नहीं नहीं, कॉमर्शियल पे तो लोन दे नहीं रही कोई, फाइनेंस कंपनी नहीं दे रही है, तो ये कैश में ही लेना पड़ेगा। जी जी, ठीक है। तो इसके मेन ऑनर जो है आप ही रजिस्ट्री करेंगे इसकी? रजिस्ट्री इसकी कहाँ से होगी? रजिस्ट्री इसकी बीकेटी तहसील में होगी, बक्सी के तालाब तहसील में होगी। अभी लगभग 4-5 दुकानों की हमने रजिस्ट्री करी है करीबन 15 दिन पहले। तो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से कितने पहले है ये? लगभग हमें को लग रहा है 2-2.5 किलोमीटर पहले पड़ रहा है। 3 किलोमीटर पहले है। 3 किलोमीटर पहले टेढ़ी पुलिया से 4 किलोमीटर पे आप खड़े हैं इस वक्त, टेढ़ी पुलिया से 4 किलोमीटर की दूरी पे, और मेन रोड से मान के चलिए हमको लग रहा है 50-60 मीटर अंदर है। मेन तो रोड कुर्सी सामने रोड देख रहा हूँ, मिसरपुर चौराहा, और ये मेन रोड से मात्र 50-60 मीटर पे है, चालू रोड पे अपना कॉमर्शियल है, स्पोर्ट्स कॉलेज से भी 700-800 मीटर की दूरी है। अच्छा, आपने भी अपना ऑफिस ऊपर बना रखा है? हाँ, हमारा ऊपर अपना पर्सनल ऑफिस है, वो हमेशा के लिए है। तो यहाँ पर हम जो है और भी जो भी सुविधाएं छोटी मोटी मेंटेनेंस के लिए भी आदमी रखेंगे, बाकी छोटा मोटा जो भी कन्वेंस होगा पर शॉप से लिया जाएगा, 100-150 रुपये जो भी पड़े। तो ठीक है दोस्तों, आपको इसके रेट पता चल चुके हैं, मेन रोड से बिल्कुल मान के चलिए सिर्फ लगाई हुआ है, 50-60 मीटर का डिस्टेंस कोई माने नहीं रखता दोस्तों। यहाँ पे आपको शॉप्स मिल जाएंगे, 8 दुकानें यहाँ पे अवेलेबल हैं। अभी अगर आप आगे बुकिंग कराते हैं तो इसका क्या प्रोसेस है? जैसे बुकिंग कराए क्लाइंट के पास पैसा कम हो, थोड़ा थोड़ा करके दे सकता है या किस हिसाब से? 1-1.5 महीने का समय हम देते हैं। अच्छा। मतलब कस्टमर कोई भी आके 25-50 हज़ार दे के बुक कर ले। अच्छा। फिर एक टाइम पीरियड 1-1.5 महीना जो भी बताएं तब तक हम टाइम दे देंगे, उनका पेमेंट अपना व्यवस्था कर लें और आके रजिस्ट्री करवा लें। ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा दिखा दीजिएगा, इधर से भी रास्ता जो दिखेगा इस साइड से भी दिखा दीजिए कि ये रोड कैसी है, यहाँ की लोकेशन कैसी है। यहाँ पर दोस्तों मकान भी बने हुए हैं और पूरी एक चौड़ी सी रोड। ये रोड का साइज़ क्या होगा? 40 फीट की रोड है दोस्तों, 40 फीट की है। ये रोड कहाँ पे निकली अभी बताया था आपने? करके अंदर पूरी आबादी जो है उसको कनेक्ट कर रही है, अंदर कम से कम हजारों की आबादी है, 10-10 हज़ार आदमी रहते हैं अंदर। कनेक्टिव रोड है ये, कनेक्टिविटी है इससे मेन रोड से, यही रोड है। जो भी इधर से आदमी को अंदर जाना होगा तो इधर ही से जाएगा। अच्छा, और बीच में जो है आपका कॉम्प्लेक्स है, इसका कुछ नाम है कॉम्प्लेक्स का? जी, अवध प्लाजा इसका नाम है, अवध प्लाजा के नाम से ये है। तो दोस्तों आपको इस शॉप्स के बारे में इतनी जानकारी मिल चुकी है, अगर यहाँ पे आप लेना चाहते हो तो नीचे नंबर दिया गया है, दिए नंबर पे कॉल करके जब चाहें यहाँ पे आप आके दोस्तों शॉप विजिट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आएँ तो उसको सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम मिलते हैं आपसे जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में।